अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, आज मैं आप लोगों को बाइक चलाना तरीका सिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक बाइक है और यहाँ पर बाइक चलाना हो तो काफ़ी बड़ी जगह होनी चाहिए ताकि बाइक आसानी से सीख सके, सही है ना। आज मैं आप लोगों को बाइक सिखा रहा हूँ। और हम बेस्ट फनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। पहले ये जो गाड़ी का स्विच है ये ऑन कर रहा है और फिर अपनी गाड़ी को देखना है कि वो घेर में है या नहीं है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए गाड़ी का घेर पीछे। ये देखो, ये देखो अभी गाड़ी घेर में नहीं है, सही है ना। तो ऐसे पता लगेगा, ठीक है ना। अभी मैं अभी हम किक मारेंगे, चल देंगे दे। गाड़ी जो मैंने गाड़ी अभी फर्स्ट गेयर में डाली है, तो जब गाड़ी फर्स्ट गेयर में डाली तो हम क्लच आराम आराम से छोड़ेंगे और सिलेंडर जो है वो भी आराम आराम से छोड़ेंगे। अगर ज़्यादा तुमने स्पीड से छोड़ा तो गाड़ी उठ भी सकती है और आपको गिरने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली थी तो अभी मैं चलाऊंगा आगे और सेकंड गियर में डालूंगा टू नंबर गियर। तो जब टू नंबर गियर में डालेंगे तो आराम आराम से हम क्लच छोड़ेंगे। जब स्पीड को पकड़ना हो तो गाड़ी मतलब एक्सीलेटर फुल दबा के छोड़ के फिर क्लच पकड़ के आराम से ब्रेक लगा के पिछले गियर में डाल के तो गाड़ी आप भरे स्पीड लगा सकते हो, क्लच भी छोड़ सकते हो। और अगर गाड़ी तुम्हें रोकनी हो या जंप आ जाए तो गाड़ी तो अभी गियर से रिवर्स करना होगा, फिर तो पिछले गियर में डालना होगा। और अब अगर बाद वक्त मतलब ऐसा होता है कि बंदे के रश में गाड़ी बंद हो जाती है तो रश में अगर गाड़ी मतलब पिछली गियर में हो तो फर्स्ट गियर में ला दीजिए, या अगर फर्स्ट गियर में नहीं तो कोई बात नहीं है, गाड़ी तुम गियर से निकाल सकते हो सारी, गियर से खड़े हो सकते हो। ठीक है,